अब चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को धार देने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एकता युक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही नेताओं ने कहा कि यह मुलाकात बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कुछ न करके भी हीरो बन गई। साथ ही उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि सभी पार्टियों की एक बैठक बिहार में भी होनी चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के पास काम के नाम पर कुछ भी दिखाने को नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो भी होगा वो देश के हित में किया जाएगा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उनकी कोशिश बस विपक्ष के सभी दलों को साथ लाने की है। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हमारे पास आज नीतीश जी आए हुए हैं। नीतीश जी का ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी मैं 2-3 दफे गया था पटना में, वो याद आ रहा है। आज नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी, बिहार में जो लोग एक साथ में काम करके एक बहुत अच्छा बता दिया है भाजपा के खिलाफ में, मैं वो लोगों को स्वागत कर किया है और थोड़ा बातचीत भी हुआ है डेवलपमेंट का बारे में भी और थोड़ा पॉलिटिकल बात में भी। नीतीश जी हमारा इधर में आई हुई है, इसी के लिए मैं नीतीश जी को माइक देने चाहूँगा कि आपका अगर नीतीश जी को जो बोलना है आपको बोलेंगे। आज तो बातचीत हो ही गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है, आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहाँ से जो काम हो रहा है, इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए, तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है और बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहेंगे बहुत अच्छा बात हुआ है। चलिए, नहीं नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था, अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है क्या मैनिफेस्टो है वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि
कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। ठीक। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।